दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से LTS में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रिंस पाइप्स और ज्योति रेजिन्स के बारे में। ज्योति रेजिन्स एडहेसिव एक मैन्युफैक्चरर सिंथेटिक रेजिन एडहेसिव की, जो कि अनेक प्रकार के जो है वुडन एडहेसिव के काम में इस्तेमाल होता है, जैसे वाइट ग्लू हो गया। इनका जो ब्रांड नेम है यूरो 7000, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, आपने देखा भी होगा, जैसे कि पेटीलाइट का फेविकॉल है वैसे ही इनका जो है यूरो 7000 है। ये सारे इनके ब्रांड्स हैं। तो अलग अलग देशों से ये जो है रॉ मटेरियल जो है मंगाते हैं, उसके बाद इसको प्रोसेस करते हैं, उसके पश्चात जो है 60 किलो 500 ग्राम के हिसाब से, या फिर बड़ी बड़ी टंकीज़ होती हैं उनमें हिसाब से पैकेज करके बेचते हैं। 50 किलो वाला ये ड्रम है, ठीक है। तो इस तरीके के इनके जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी अच्छी खासी डिमांड भी है, 13 राज्यों में है भारतवर्ष के, और करीब करीब देखा जाए तो हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और हज़ारों जो है इनके पास जो रिटेल शॉप है वहाँ से इनके प्रोडक्ट बाई किए जा सकते हैं। वुडन प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छे खासे, जैसे ऑफिस के वर्क के लिए, फर्नीचर के कामों में जो लिप्त हो गए, या फिर जो है वाटर प्रूफिंग के लिए भी काम आते हैं, एंटी टर्माइट में भी काम आते हैं। दूसरा, प्रिंस पाइप के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता तो आपको है नहीं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं UPVC, CPVC, पानी की टंकी, ड्रेनेज पाइप्स, इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग प्लम्बिंग के प्रोडक्ट्स भी हो जाते हैं, जिनमें वायर्स एंड केबल्स को जो है प्रोटेक्शन के लिए भी, यहाँ पे डक्टिंग केबल भी ये बनाते हैं। तो काफ़ी अच्छी खासी लंबी रेंज है इनकी। अब देख लेते हैं इनका स्टॉक प्राइस और किस प्रकार के दोनों कंपनियों के रिजल्ट्स रहे। तो अगर हम प्रिंस पाइप का देखते हैं, आज 575 के प्राइस पे जो है ट्रेड हुआ, लेकिन पूरे बाजार में तेज़ी रही, ये ऊपर उठने का नाम नहीं लिया, हालांकि पॉजिटिव रहा। आप देखें मार्केट बंद हो चुकी है, और अगर देखें यहाँ पे तो हाई जो बना चुका है 866 का, और जो साल का पिछले वर्ष लो था 510 का, एक वर्ष में यहाँ पे करीब 31% ज़्यादा का नुकसान। 6 महीने पहले जिन्होंने पैसे निवेश किए उनको भी 11% के आसपास का नुकसान। एक स्मॉल कैप की कंपनी है, याद रखिएगा, 6336 करोड़ की टोटल मार्केट कैपिटल है, 10 की फेस वैल्यू है, 2019 की लिस्टेड कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 43 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5 का, ROC इसका लेटेस्ट 27%, ROE इसका 21%। अगर हम यहाँ पे मुख्य बात जो ध्यान दें, जो रिजल्ट्स आए हुए हैं, जैसे कि सितंबर के क्वार्टर में आप देखेंगे 636 करोड़ की टोटल जो इनकी सेल्स रही, पिछले क्वार्टर में थी 604 करोड़ की, तो उससे मामूली सी बढ़ के आई है, समझिए 32 करोड़ बढ़ के आई है। और अगर हम पिछले क्वार्टर में देखते हैं, उससे भी पहले मान लीजिए क्वार्टर 4 तक की स्थिति में, तो 900 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, जो कि क्वार्टर 1 में कम होकर रह गई थी 600 करोड़। अब थोड़ी सी एक राहत है कि यहाँ पे बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है, लेकिन खर्चे देखिए, अगर आप देखेंगे 636 करोड़ के टोटल जो है सेल्स हुई, तो वहाँ पे खर्चे इनका जो रहा 648 करोड़ का, मतलब आमदनी 98 तो खर्चा रुपया कह सकते हैं आप। तो 87% जो है मटेरियल कॉस्ट में बढ़ोतरी, यानी कि जो लागत रही वो बढ़ी, हालांकि एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल्ड रही, 4% ही है जो पहले के कुछ क्वार्टर्स में रही। इस प्रकार से ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे लॉस में आया, नेगेटिव में आया, और नेट प्रॉफिट भी जाहिर सी बात है कि नेगेटिव में रहेगा, 24 करोड़ का यहाँ पे नुकसान दिखाया। और EPS भी यहाँ पे अगर क्वार्टर दर क्वार्टर देखते हैं तो यहाँ पे नुकसान में है। तो सबसे पहले अगर प्रिंस पाइप्स के बारे में बात करें कि हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करनी चाहिए, जो कि एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, बढ़िया प्रोडक्ट्स वाली कंपनी है, बहुत सारे लोगों के पास इस कंपनी के शेयर्स होंगे और कुछ लोग SIP भी कर रहे होंगे। देखिए, जो लोग SIP कर रहे हैं वो अपनी SIP चालू रखें, जो लोग एक साथ बाइंग करने के सोचते हैं या फिर कभी इस कंपनी में लेने की सोच रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी और प्रतीक्षा कर लें तो बेहतर होगा। एस्ट्रल के रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके पश्चात फिर हम एक वीडियो एस्ट्रल पे भी कवर करेंगे, क्योंकि वो एक इनके सेक्टर की लीडर कंपनी है। अगर मान लीजिए उसके भी रिजल्ट्स ख़राब आते हैं, तो जब लीडर के किसी पूरे सेक्टर के लीडर के किसी के रिजल्ट्स ख़राब आते हैं, थोड़ा सा और दबाव पड़ता है, तो उसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसी कंपनियों में देखिए शुरू शुरू में क्या होता है, जब न्यूली लिस्टेड कंपनी होती है, लेकिन पुरानी कंपनियां हैं, बढ़िया फंडामेंटल्स हैं, बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, तो इनमें आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़ तो, क्योंकि किसी प्रकार की कोई कॉरपोरेट गवर्नेंस या बिजनेस को लेकर कोई इशू नहीं है। इशूज़ इस बात के हैं कि जैसा कि वर्तमान समय अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, तो जो इनको जहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे क्या होता है कि इनका जो सिंथेटिक प्लास्टिक्स हो गए, अनेक प्रकार के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली ड्राइव होके आते हैं क्रूड ऑयल से, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट उससे बनते हैं, चाहे सिंथेटिक प्लास्टिक हो चाहे अदर प्लास्टिक हो, तो कहीं ना कहीं वो महंगा होने की वजह से यहाँ पे इनको जो है लागत बढ़ रही है, और इस वजह से तो ये कुछ दिनों की समस्या हो सकती है, लेकिन व्यवसाय अच्छा है, क्योंकि देखा जाए तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर भी इनके प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे
ड्रेनेज का काम हो, इन सारे कामों में इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए अभी भी घबराने की बात इस कंपनी में नहीं है। लंबी अवधि के लोग अगर बहुत ज़्यादा गिरता है और भी, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं, जिनका नज़रिया लंबा है। तो ये तो रही आज प्रिंस पाइप के बारे में हमने जो बताया आपको। दूसरा जो ज्योति रेजेंस एंड एडहेसिव है, अगर आप देखेंगे जो इनके प्रोडक्ट्स इस प्रकार के काफ़ी अच्छे खासे बिकते हैं मार्केट में, लोकल मार्केट में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है इनके पास। एक बड़ा मल्टीबैगर भी रहा है। 5-10 सालों का रिटर्न तो नहीं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आप देखेंगे तो हो सकता है कि ऐसा लगे कि यार ऐसे स्टॉक हमको क्यों नहीं मिलते। आप ऐसे सोचेंगे एक बार, मतलब 5-5 सालों में 6,000% रिटर्न दे के बैठे हुए हैं ये लोग इस गिरावट में भी। तो 5 सालों का आप देखेंगे दिमाग ख़राब हो जाएगा। एनीवेज, साल भर में जो वर्तमान समय रिटर्न मिल रहे हैं वो है 397% के। 6 महीने पहले भी जिन्होंने निवेश किया उनको भी 90% ज़्यादा के रिटर्न मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कुछ चीज़ें जैसे कि डेट फ्री कंपनी है, और अभी भी जो है एक बहुत ही छोटी मार्केट कैपिटल की कंपनी है, 1648 करोड़ की। 10 की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है, अभी स्प्लिट नहीं हुआ है, इसी वजह से प्राइस देखिए 1348 के आसपास चल रहा है। हालांकि बोनस इन्होंने दिया था। तो इस तरीके से जो वर्तमान प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 55 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 26 का। डिलीवरी देखिए कितनी शानदार है, 70% ज़्यादा की है। डिविडेंड भी पे करता है, चूँकि कमाती है तो पे करती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखेंगे कितना बढ़िया, जबकि आप चाहे पिडिलाइट का देखिए वो 100 के पी के आसपास है, चाहे आप एस्ट्रल का देखिए वो भी ज़्यादा है। एस्ट्रल भी कुछ पोर्शन जो है देसी में है 30% के आसपास। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो कंपनी है, और भी बहुत सारी कुछ कंपनियाँ, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं थोड़े से क्या इश्यूज़ हो जाते हैं कि या तो उनका स्टॉक प्राइस वैल्यूएशन वाइज बहुत बड़ा लग रहा है, या फिर उनमें कर्जा थोड़ा सा है, या कुछ ऐसा व्यवसाय है कि उतना फल फूल नहीं रहा। तो कुछ इस वजह से हमें ये कंपनी थोड़ा सा ठीक लगी। हालांकि इस ज्योति रेजेंस पे हमने पहले भी कई दफ़ा वीडियोस बना चुके हैं। अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं माली सितंबर में, तो 65 करोड़ 65 लाख की जो है इनकी सेल्स रही टोटल, जबकि पिछले क्वार्टर में थी उससे बढ़ के आई है मामूली सी। इसी प्रकार से जो खर्चे रहे 52 करोड़ 30 लाख, और उस तरीके से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा वो 20% से ज़्यादा का हो गया, जबकि पिछले क्वार्टर में था 17% से ज़्यादा का। पिछले वर्ष के क्वार्टर में देखेंगे 11% के आसपास था, 11.5% के आसपास। इस तरीके जो शुद्ध मुनाफा रहा यहाँ पे निकल के आया थोड़ा सा कम हो के 8.81 करोड़, और EPS जो है देखा जाए 7 रुपये पिछले क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में भी तो बराबर ही है। तो ज्योति रेजेंस और प्रिंस पाइप दोनों के परिणाम हमने आपके समक्ष अपडेट किए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कंपनी इस समय हो, अगर आपको लगती है बढ़िया है, बिजनेस अच्छा है, तो मुझे लगता है फिर से थोड़े थोड़े करके ही लेने वाली स्ट्रेटजी अपनाएं ऐसे मार्केट में। अभी कुछ फिक्स नहीं है कि कितने दिन और भी इस तरीके से परफॉर्म करता रहेगा। हालांकि आज जो तेज़ी रही अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की वजह से रही, इस वजह से ये कुछ ऐसे दिन आते हैं जो सारे मोस्टली जो इंडेक्स के शेयर्स थे वही ज़्यादा भागे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में उतनी खास तेज़ी नहीं रही। तो एस्ट्रल के या फिर जो HP एडहेसिव है, जो न्यूली लिस्टेड कंपनी है, उस पर भी हम कवर करेंगे। उनके रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, जल्द उनके रिजल्ट्स भी हम अपडेट करेंगे। इन दोनों कंपनी में दोस्तों आपके कोई विचार हो, कोई सुझाव हो, कुछ कहना चाहते हो, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।